सुनो यहाँ से गाँव से मेरे से ना बहुत पसंद जाता है ना, ये भी साउंड होता है ना इसको। तीन होती हैं कंप्रेसर तेज ड्राइव की के, चेक करो कनेक्टर से जुड़ी भी होंगी। सही है, कोई बात नहीं, प्लेन फेस में बनाया करो अच्छे से। सही है हमारा, तीन ग्राउंड तीन फेस और उसके बाद पॉजिटिव थी इस पर आई भी बोल। पकड़ो सब लोग पी एफ सी वाला, उसकी पॉजिटिव पकड़ो, पकड़ ली अब वो पॉजिटिव देखो आई पी एम की किस पिन पर जा रही है, तो पहले आई पी एम पकड़ो, इस समय सारे लोग आई पी एम पकड़ो। आई पी एम में दो साइड होती हैं, ऑफिशियली तो कोई साइड नहीं होती है, आप मानो ऐसा कि दो साइड है आई पी एम में, एक आउट साइड और एक इन साइड। आउट साइड वो मानेंगे जिधर कंप्रेसर के फेस आउट होंगे, इसको बोलते क्या है कंप्रेसर फेस ड्राइव, क्या ठीक है? तो जिस तरफ कंप्रेसर फेस ड्राइव आउट होगी उस तरफ को मानेंगे हम आउट साइड, क्या मानेंगे और दूसरी साइड इन साइड मानेंगे, क्योंकि उधर ड्राइव इन होंगी छह, ठीक है? तो इधर जो है आप देखो कि किसी एक साइड में ना, एक साइड भी क्या, इसमें आप देखोगे एक साइड की तीन पिने आपस में कनेक्ट है और तीनों ग्राउंड है। चेक करो जरा, मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैं चाहूंगा कि आप फिजिकली इस्तेमाल करो ट्रेसिंग के जरिए। एक साइड की तीन पिने आपस में जुड़ी होंगी, आपस में बीप भी कर रही होंगी, राइट हैंड की तीन पिने। राइट लेफ्ट का कोई कंफर्म नहीं है, और इन तीनों ग्राउंड को क्या बोला जाता है, एक यू फेस की ग्राउंड है, ठीक है? तो इसको बोला जाता है यू एन, क्या यू नेगेटिव, क्या यू नेगेटिव, आपके पास डायग्राम भी है, ठीक है? यू ग्राउंड बोल लो या यू नेगेटिव कह लो, कोई पीडीएफ खोलोगे इस तरीके से लिखा हुआ होगा। एक बी फेस की ग्राउंड है तो बी नेगेटिव या बी ग्राउंड, ठीक है? और दूसरी है डब्लू नेगेटिव, तीसरी है डब्लू नेगेटिव। ये तीन ग्राउंड हैं और तीनों किसके लिए हैं, इस फेस के लिए हैं। अब इन फेस से इसका क्या लेना देना है अभी बाद में समझने को, ठीक है? तो तीन ग्राउंड की मिल गई आपको किने, तीन ग्राउंड के बाद जो है तीन होती हैं कंप्रेसर से ड्राइव की के, चेक करो कनेक्टर से जुड़ी भी होंगी। तीन ग्राउंड उसके बाद तीन पिने फेस ड्राइव की होंगी। कनेक्टर से जुड़ी होंगी, क्या हो गया आप लोग कुछ कंफ्यूज हो? दरअसल इसमें करंट नीचे नहीं है, ऊपर है, क्या है ऊपर से ले रहा है ये, ठीक है ना? तीन ग्राउंड है ये आपकी, ये तीन फेस हो गए, छह पिने हो गई, और इन तीन फेस के बाद वाली पिन जो है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं पॉजिटिव। ये है 300 वोल्ट की पिन, कितनी इस पर इन होगी, फिल्टर वाली पॉजिटिव इससे कनेक्ट है। अब आप चेक करो सातवीं पिन पर, किस पे ग्राउंड की साइड से सातवीं पिन मिल गई, फिल्टर से कनेक्ट है आपके, चेक प्रेसिंग ईजी है। हाँ सर आप देखो सर, इनके में मुश्किल है, मेरे पास जो बोर्ड है इसमें भी इशू है, अभी लुपी लिखा है इस पे पॉजिटिव, प्रेस कर पाया ये ना एक ये डिग्री राउंड हो गया, ये ना प्लस के पॉइंट पॉजिटिव, ये जो ये जंपर के जरिए यहां आ रही है, क्या हो रहा है जरा जी तीन ग्राउंड हो गई है, तीन ये फेस हो गए, ये हो गई पॉजिटिव, है ना? इस पे जंपर लगे हैं, चार लगे हुए हैं, जंपर से इधर आएंगे हम और ये आ गए फिल्टर के पॉजिटिव, ठीक है ना? ठीक है, हो गई ना ट्रेस, और आपको मिल गई पॉजिटिव, कनेक्ट है, कर पाए हो ट्रेस, हो गया। अब इसके बाद वाली आरटीवी पिन खाली है एनसी, क्या डायग्राम में भी देख लो, तीन ग्राउंड है पहले, तीन फेस ड्राइव है, किसका डायग्राम है, किसने बनाया ना? सही है, कोई बात नहीं, प्लेन फेस में बनाया करो अच्छा से। सही है तुम्हारा, तीन ग्राउंड तीन फेस और उसके बाद पॉजिटिव पिन, इस पर आई वी वोल्टेज फिल्टर से कहाँ से, और उसके बाद वाली एनसी यानी नॉट कनेक्शन या
नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो सात ही दिन में है आठ दिन नहीं, वो खाली है, सात तक वर्किंग में है। तो हम इसमें क्या जान रहे थे, एक तो हम साइड के बारे में जान रहे थे कि ये पिन आउट किस चीज की है, तो तीन ग्राउंड है, तीन फेस है और एक पॉजिटिव पिन है, ठीक है। और कौन किससे कनेक्ट है ये भी पता चल गया आपको। और अब आपको पता चला फिल्टर की पॉजिटिव किस पिन पर आएगी, तो पहली सप्लाई हमें ये चाहिए सातवीं पिन पर। अब हमें चाहिए 15 वोल्ट, क्या 15 वोल्ट आएगी दूसरी वाली साइड में, इन साइड पे, क्या इन साइड पे। अब इन साइड पे चले जाओ और इन साइड में देखना कि दो दो पिन का ना पेयर होगा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ये बूट है, क्या है, इनको हटा दो, बची हुई पिन में से एक पिन 15 वोल्ट की हो। ये देखो दो पेयर है ना, ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ये बूट है, क्या है। हाँ देखो उन तीनों पे ना बूट के नॉन या पोलराइज, ये पेयर दिख रहा है, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये बूट हो गए, इसे अभी इग्नोर करो। इन पिनों में से किसी एक पर 15 आएगी, क्या आएगी, कैसे ढूंढेंगे हम, डीटी से आएगी ना। हाँ आएगी डीटी से। और तो आप क्या करो, आपको मिलेगी पहले सर इसमें बूट मिल रहा है, ये बूट है इसके, हाँ दो दो पिन के है ना, आपको मिला बूट ये रहा ना, इसमें दो नहीं है, एक दे रखा, कोई बात नहीं, ये है अलग से चीज है ना, ये अलग डिजाइन बूट हो गए, इनमें से एक पिन 15 वोल्ट है। सवाल ये है कि कौन सी पिन 15 वोल्ट है, कैसे ढूंढे। तो आप इधर से भी ढूंढ सकते हो और उस सप्लाई की तरफ से भी, फिलहाल इधर से ढूंढते हैं। आप देखोगे ना इसके पास एक आई वो लगा हुआ होगा जीना 15 वोल्ट ये लगा, और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव आपको शायद दिखाई ना दे, तो आप देखो भी मत, आप एक पिन ग्राउंड पे रखो, ये ग्राउंड है ना, ठीक है। और यहाँ से जो है आप इसको ये देखो, ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड है सर, ये है ग्राउंड, ढूंढो जरा जीनर का ग्राउंड, देखो कौन सा, आईपीएल की ग्राउंड से जीनर का ग्राउंड देख लो कौन सा, ठीक है। अब वहाँ पास में एक जीनर लगा हुआ होगा, अच्छा वो आपने हिट स्विंग नहीं हटाई है, हटा लो हटा लो, ये कर ले वाला।